हेलो एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही पौष्टिक सब्जी आलू पालक मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप पूरी पराठा राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। हमने 1 kg पालक साग को धोकर अच्छे से बारीक काट लिया है और हमने 3 मीडियम साइज के आलू को लिया है और उसे बारीक काट लिया है। और हमने फ़ौरन के लिए 2 टमाटर बारीक काट लिया है। हमने 4-5 लहसुन की कली को बारीक काट लिया है। 4-5 हरी मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट लिया है और हमने 2 लाल मिर्च लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों तेल हमने डाल दिया है और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। और हमने जो आलू काट कर रखा था ना, आलू डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिला देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके पका लेना है। आलू को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में देखिए हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें राई का फ़ौरन डालेंगे। राई जैसे हमारा चटकने लगेगा, हमने जो लहसुन काट कर रखा था ना, लहसुन डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे और लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने जो टमाटर चॉप करके रखा था ना, टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छे से टमाटर को मिला देंगे और 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा और हमें गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अच्छे से सभी को मिला देंगे। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है, चारों तरफ से तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो हरी मिर्च काट के रखा था ना, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। देखिए हमने 2 चम्मच मसाला ऐड किया है, जीरा लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट है। हमने 1 चम्मच जीरा, 4-5 लहसुन की कली और 2 लाल मिर्च का पेस्ट हमने तैयार कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हरे मटर डालेंगे। हरे मटर आप जितना डालना चाहते हैं अपने अंदाज से डालें और अच्छे से हम मिला देंगे। अच्छे से मसाला में मटर को मिला देंगे और देखिए हमारा मसाला भी भुन चुका है, चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो आलू फ्राई करके रखा था ना, आलू ऐड कर देंगे और आलू को अच्छे से मसाला में मिला देंगे। और हमारा आलू भी अच्छे से मसाला में मिल चुका है और हमने जो पालक साग काट के रखा था ना, पालक साग ऐड कर देंगे और पालक साग को भी अच्छे से मिला देंगे। और इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारा साग कितना पानी छोड़ दिया है, इसे हम ढक ढक कर पकाएंगे। देखिए हमारी आलू पालक मटर की सब्जी बनकर तैयार है। आलू पालक मटर की सब्जी थोड़ा हम लटपट ही रखेंगे क्योंकि सब्जी लटपट ही अच्छी लगती है। देखिए हमने गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है और ऊपर से हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। चिली फ्लेक्स का टेक्सचर ही अलग होता है, आप इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें, यह काफ़ी स्वादिष्ट होता है। मैंने नए तरीके से आलू पालक की सब्जी बनाई है और इसे हमने सर्विंग बाउल में भी निकाल दिया है। अगर वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।